और धन्यवाद करो परमेश्वर का, आज का जो 5 तारीख है, जो भी प्रभु ने 5 और 6 को 2 दिन मीटिंग रखी लेडीज का, ये प्रभु के अगुवाई से ही सारी चीजें हो रही है, और सच में जो परमेश्वर चाहता है वो करता ही है। हालेलुया। और हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं कि परमेश्वर आज हमारा टाइम व्यर्थ नहीं गया, हम तेरी उपस्थिति में आए। हम घर में बैठ के शायद 2 घंटे 1 घंटे प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में रहते, लेकिन आज हम पूरे दिन भर इस सेमिनार में हैं। हम इसमें हम लोग सम्मिलित हुए और परमेश्वर आज हमारे क्या कर रहा है, हमारा उपयोग करने के लिए हमको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही मैं आज आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ऐसी एक स्त्री के बारे में जिसको परमेश्वर तैयार कर रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर तैयार करते करते उसको कैसे उसके लोगों को बचाने के लिए आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आप लोग, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया, आप जब आए यहाँ पर कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या चीज के लिए, प्रभु की आराधना हो रही है, प्रभु का वचन मिलेगा, धन्यवाद परमेश्वर का, हम उसका उपयोग करेंगे, उसका भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया कि आज जो आप लोग यहाँ पर मौजूद हो, है ना, किसी ने तो भी रिजेक्ट किया होगा यहाँ पर आने के लिए पहले, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। क्या मिला है? अपॉर्चुनिटी को क्या कहते हैं, अवसर। वो आपको अवसर मिला है। किसी ने तो रिजेक्ट कर दिया था, उनकी बदौलत आपको मिली है। शायद वो रिजेक्ट नहीं करते तो वो लोग यहाँ आते, लेकिन वो लोगों ने रिजेक्ट किया इसीलिए आप यहाँ आए। तो आप इस अवसर को मत गलाओ, इस अवसर को मत जाने दो आपके हाथ से। क्यों? क्योंकि आप सबसे ज्यादा लकी हो कि परमेश्वर की उपस्थिति में आज हो। बोलो, मैं आज भाग्यशाली हूँ, मुझे आज प्रभु का वचन मिलेगा, मुझे आज प्रभु तैयार करेगा। कितने लोग तैयार होने के लिए आए परमेश्वर में? हाँ, हालेलुया। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ कि एक ऐसी स्त्री है जो पवित्र शास्त्र में कि वो उसको परमेश्वर किस तरह से तैयार करता है उसे पता भी नहीं होता है। ये मैंने ऑलरेडी पहले प्रचार कर चुकी, लेकिन मैं आपको और परमेश्वर क्यों आपको यहाँ पर रख रहा है कि उसने अपॉर्चुनिटी गला दी और आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट किया तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला। क्यों मिला? आपको बैठने के लिए नहीं मिला है, आपको कुछ कर दिखाने के लिए मिला है। बोलो, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मुझे यीशु के लिए मुझे कुछ करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग जल्दी से परमेश्वर का वचन देखेंगे। हम एस्तर की कहानी पढ़ते हैं ना, एस्तर का हमें मालूम है, तो थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि एस्तर जो उसका आंटी थी, एस्तर है ना, ऐसा कुछ रिश्ता इसमें है। तो वहां पर क्या लिखा है, जो शेष राजा था उसकी जो बीवी थी वश्ती, उसने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे कुछ काम किए थे जिससे वो उस राज्य की रानी, उस जो जगह की रानी के लिए उसको रिजेक्ट किया गया था। जैसे अभी मैंने बताया ना, कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया है उन बातों को, लेकिन आज परमेश्वर आपको अवसर दे रहा है। उस चीज को रिजेक्ट करने के बाद राजा क्या करता है, बहुत सी ऐसे महिलाओं को, स्त्रियों को बुलाता है जो उसके लिए बेस्ट ठहरे, है ना, जो रानी कहलाने के लिए ठहरे। और दूसरी बात, रानी कहलाए तो कहलाए, लेकिन वो क्या रहे, उस राज्य के, उस राजा के अधीन रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग अब ये कहानी जानते हो, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जो एस्तेर थे उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन जो मोर्देके ने उसको मतलब बचपन से पाला था, है ना, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर थी। कौन थी? एस्तेर। बहुत खूबसूरत थी। हालेलुया। और हम लोग देखते कि वो बहुत सारी चीजें मतलब उसको मोर्देके उसको रानी बनाने के लिए क्या क्या चीजें नहीं करता है ना, उसको उस राज्य में दाखिल करवाता है, फिर वहां पर उनका ब्यूटी पार्लर होता है, उसको पूरी तरह से स्वच्छ बनाता है ना। ब्यूटी पार्लर में आप लोग सब लेडीज हो ना, कितने लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, जाते सभी लोग जाते हैं। हाँ, तो हम लोग वहां पे क्या जाते हैं, हम और सुंदर दिखने के लिए जाते हैं ना। वो सुंदर थी, लेकिन परमेश्वर मोर्दे के चाहता था और ये खूबसूरत हो जाए। हालेलुया। तो वैसे ही हो गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, हम सभी जानते हैं, रानी बन गई एस्तेर, मोर्दे के वहां का काम करने लगा, है ना, वहां का संभालने लगा सब कारभार, और जितने भी यहूदी लोग थे वहां पर रहते थे वो सब अपने इसमें थे। लेकिन एक व्यक्ति था हमान नाम का, है ना,
वो क्या करता है, उसको ऐसे वो ऐसे ओहदे पे था कि सभी लोग उसको क्या करते थे, सलाम करते थे या उसके सामने सर झुकाते थे, लेकिन मोर्दके उसके सामने सर नहीं झुकाता था, क्योंकि मोर्दके को पता था ये बहुत दुष्ट है, ये बहुत चालाक है ना, वो कभी नहीं, वो ऐसे चुपचाप खड़ा रहने का। यही बात से हमान को खुन्नस था कि मैं इसको, ये सब लोग मुझे ये करते हैं, लेकिन ये मेरे, मुझे ये ना सर नीचे नहीं करता है, या मैं आता हूँ तो मेरा आदर नहीं करता है, मुझे इसको ना ठिकाने लगाना। तो क्या देखते वहां पर कि वो कैसे चालाकी से उसने क्या किया रहता है, मोर्दके को खाली मारने के पीछे नहीं पड़ा रहता है, वो क्या करता है, अभी ये लोग ज्यादा ये कर रहे हैं ना, मोर्दके को तो खत्म करूंगा, लेकिन मैं सारे यहूदियों को, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या छोटे बच्चे लड़का लड़की, सबको खत्म करने के, हालेलुया, सबको खत्म करने के लिए उसने क्या किया, चालाकी से राजा के अंगूठी का जो सिक्का है ना, जो सिग्नेचर उसने ले लिया, और बाइबल बताती है कि उसने इतनी चालाकी से किया, राजा ने मतलब ये कर दिया। लेकिन जैसे ये बात मोर्दके को पता चली, उसने क्या किया, अपना बहुत दुख मनाया, बहुत इसमें आया कि हम कैसे, हम परमेश्वर के लोग हैं, ये हमको मार नहीं सकते, उसने मतलब पीड़ा, उसको पीड़ा होने लगी, उसको दुख होने लगा। क्या मैं आपको आज एक सवाल पूछती हूँ, आपका अगर भाई जो मसीह में है, अगर उसको ऊपर कुछ विपत्ति आई, तो क्या आप लोग उसके लिए प्रार्थना करते हो? जैसे अभी मैंने बताया ना, हम प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करते हो ईमानदारी से, रो रो के। यहाँ पे क्या लिखा, अगर चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें, चौथा अध्याय एक से पढ़ो, निकालेंगे एस्तेर, चैप्टर 4:1, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़ ताट पहन राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। हालेलुया, क्या किया, टाट ओढ़ लिया उसने, क्या किया, अपने वस्त्र फाड़े और वो जोर से नगर के बीच में चिल्लाने लगा। मतलब वो किसको चिल्ला रहा था, नगरवासी को नहीं, परमेश्वर के सामने दुखी होकर चिल्ला रहा था। क्या आप लोग चिल्लाते हो, क्या चिल्लाने का मतलब, परमेश्वर को आपका हृदय समझ आता है कि ये बच्ची मेरी पीड़ा में है, ये पीड़ित है, ये लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है, आज मैं इसका आवाज को सुनूंगा। हालेलुया, वो चिल्लाने लगा, परमेश्वर मैं क्या करूं, वो इस तरह का चिल्लाने, इसमें ऐसे शॉर्ट लिखा रहता है, लेकिन आप वो सीन आपके सामने लेके आओ कि किसी व्यक्ति को के ऊपर विपत्ति आई है, या मान लो सिस्टर गोडिया उनके ऊपर विपत्ति आई है, और वो चुप बैठेगी क्या, नहीं। हम आप लोग आते हो कलीसिया में, कभी कभी आपको बहुत दुख होता हुआ होता है ना, वो सिर्फ तकलीफ आपको ही पता, किसी को पता नहीं, तो आप रो रो के परमेश्वर से घुटने टेक कर बोलते रहते हो, है ना, बातें करते रहते हो। वो क्यों करते हो, क्यों, आपको पता है मुझे सहारा वहीं से मिलेगा, मुझे परमेश्वर वहीं से मुझे मेरा मदद करेगा, मुझे उस दलदल में से छुड़ाएगा, मुझे उस अंधकार की शक्तियों से बचाएगा, मुझे अंधियारे में से निकालेगा। हालेलुया, हमें ये पता होता है, इसीलिए आप लोग आते हो, और आप यहाँ के और घर में कहीं पे भी हो, प्रेज गॉड। अभी हम पिछले शुक्रवार जब मीटिंग ले रहे थे, प्यारी बहन गुड़िया वो उनकी कल है ना, उनके साथ जो उनके ऑफिस में काम करती उसको लेके आई ना, तो फिर वो क्या बोली कि मैं बहुत दिनों से प्रभु यीशु को जानती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन परमेश्वर ने सिस्टर गुड़िया को मेरे लिए भेजा है। और उस दिन वो लेडी का क्या हो गया, उसके बेटे को क्या तो प्रॉब्लम हो गया ना, कावेड़ कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो क्या बता रही है कि हम लोग वहां से बाहर निकले और जोर जोर से गोड़िया सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी, रो रो के। सही बात है, ऐसे ही उसने बोला, प्रेज गॉड। उन्होंने ये नहीं देखा वो कौन देख रहा मुझे क्या, आपको बहुत लोग देखेंगे, आपको प्रार्थना करने के लिए रोकेंगे, आप पे हंसेंगे, है ना, आप अलग अलग जगह काम करते हो, अलग अलग जगह जाते हो, उस टाइम जरूरी नहीं है कि हमको कोई अच्छा जगह गुप्त स्थान मिले और हम प्रभु के लिए प्रार्थना करें, उस टाइम परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर कहीं चले जाओ, परमेश्वर आपके संग वहां पर है, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर यहाँ पर भी क्या बता रहा, मोर्दके का उसने आवाज सुना, चिल्ला चिल्ला कर वो अपना मतलब कपड़े फाड़े, उसने वो दुख हो रहा था कि मेरे सारे इजरायली भाई, हम इतने लोग हैं, हम कैसे, हमको ये हमान जैसा व्यक्ति हमको मारने के पीछे पड़ा है। परमेश्वर अपने लोगों को मरने नहीं देता,
है ना, क्या करता है, उनको मार डाले लेकिन मरने नहीं देगा। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु यीशु पे विश्वास कर रहे हो तो क्या प्रभु आपको मरने देगा? नहीं। जब नाव में 12 शिष्य थे और यीशु मसीह वहां पर था और आंधी आई, तूफान आई, सब अंधेरा हो गया और वो उफान मार रहा था, पूरा लहर उफान मार रही थी, तो क्या वो लोग बोलते, अभी हम मर जाएंगे, अब हम नहीं जिएंगे। गुरु रवि तू उठ। हालेलुया। परमेश्वर क्या होते, अल्प विश्वासी है ये लोग। यीशु मसीह क्या कहते हैं, अल्प विश्वासी। जब तुमको पता उस नाव में तुम्हारे साथ यीशु मसीह बैठा है और बोलता तू सो रहा है, यीशु मसीह रात दिन प्रार्थना करता, वो क्या सोएगा? वो परीक्षा ले रहा था। आपके जीवन में भी परमेश्वर परीक्षा लेता है। क्या करते हो आप लोग? क्या हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे? क्या परमेश्वर हमारे लिए, हम परमेश्वर जब हम प्रभु के लिए खड़े होंगे तो परमेश्वर हमारे लिए खड़े रहेगा क्या? हालेलुया। यीशु मसीह सीधा बोलेंगे अल्प विश्वास से, उसने मरने दिया नहीं मरने दिया। तो आज आप लोग जो परमेश्वर के संग हो या प्रभु प्रभु यीशु पे विश्वास कर रहे हो और आप छोटी सी मुसीबत को लेके, छोटे से दुख को आप एकदम डर जाते हो, परमेश्वर आपको मरने देगा क्या? नहीं। यहाँ पे ये जितने इजरायली थे, जितने इब्री थे, जितने यहूदी थे, किसी को मरने नहीं दिया। अगर हम आगे पढ़ेंगे, हालेलुया। लेकिन मैं आपको एस्तर के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एस्तर को परमेश्वर ने चुना था अपने लोगों को बचाने के लिए। तो आपको मैं बताती हूँ, हम लोग जाएंगे उसी अध्याय में 13 से पढ़ो, क्योंकि ये कहानी, ये सारे बाइबल के वर्ष आपको मालूम है क्या हुआ था, लेकिन आपको जो मेन मुद्दा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम पढ़ेंगे 13 से लेकर 14 तक। तब मोर्दक ने एस्तर के पास यह कहला भेजा। तब मोर्दक ने एस्तर के पास कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। हाँ, क्या बोला कि तू उस राजभवन में रानी है, तू मन ही मन ये विचार मत कर कि तू बच जाएगी। हालेलुया। तो मन ही मन ये विचार मत कर, तू बच जाएगी। आज प्रभु आपसे भी यही बात कर रहा है कि आप यहाँ पर आए हो, आप मन मन में ये विचार मत करो हम सेफ है, हम सुरक्षित है। नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ कार्य करने के लिए रखा है। हमें नहीं पता कि किसको ज्यादा जरूरत है हमारी, हमको नहीं मालूम कि कोई तो भी ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने रखा है और हमें जाके उसको बचाना है। हालेलुया। अब मन ही मन ये विचार मत करो कि मैं तो दिन भर काम करती हूँ ऑफिस में, मैं कब प्रचार करूंगी, मैं तो दिन भर घर का काम करती हूँ, मैं कब प्रचार करूंगी, हमारे ऊपर ही विपत्ति, मैं कब प्रचार करूंगी। ये थिंकिंग, ये सोच आप निकाल दो। आपके पास परमेश्वर ने कुछ काम रखा है, यही अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रही हूँ, जो एस्तर की तरह आपको मिली है। परमेश्वर ने आपको यहाँ पे खूबसूरत बनाने के लिए रखा है और आपको तैयार करने के लिए रखा है। मोर्दक ने उसको बोला, तू मन में विचार मत कर मेरी बेटी, है ना, तू बच जाएगी, तू राजभवन में अभी मालकी ने रानी है तो तू बच जाएगी, ऐसा नहीं है। वो और क्या लिखा है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदिया का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। उसको क्या बोलता है कि तू अगर चुपचाप रहेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी ना किसी तरह से यहूदियों का उद्धार हो जाएगा, वो बच जाएंगे। लेकिन तू ऐसे चुपचाप बैठी है ना, ऐसे समझ मत। आज आप बैठे हो यहाँ पर, आप मत समझो कि अगर आपने ये अवसर जाने दिया तो परमेश्वर और किसी को लाके रखेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे पिछले लोग चले गए आपको रखा, वैसे अगर आप भी नहीं किए, अगर प्रभु के कार्य को नहीं बढ़ाए, अगर परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ाए, आपको नहीं पता ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अभी भी अपने मन में ये सोचती है कि हम पीड़ा में हैं, हम सुसाइड कर लेंगे। हालेलुया। आपको बहुत से, आप लोग तो काम करते हो ना, आपकी जगह तो और बहुत से लोग ऐसी महिलाएं हैं, आपको नहीं पता रहेगा, शायद आप बोलते रहोगे हम यीशु के बारे में बताते, वो सुनते नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का एक टाइम होता है, वो टाइम पे वो चीज होने ही वाला है, हमें इंतजार करना है। क्या करना है? इंतजार करना है। हालेलुया। वो क्या कहता है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे, अगर तू चुपचाप आप लोग हो तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी, है ना, तुम तेरे पिता के घराने से तू नष्ट हो जाएगी, मतलब तुम्हें बेदखल कर देंगे, तू भी नष्ट हो जाएगी।
तो आप ये मत समझो कि हम लोग यहाँ पर है, हम लोग बच गए हैं, हम और लोगों को नहीं बचाएंगे। तो परमेश्वर का ही ना किसी को खड़ा करेगा, परमेश्वर उसको बचा लेगा। आज आपसे परमेश्वर क्या बात कर रहा है? क्या आप ये अवसर जाने दोगे? एस्तर ने जाने नहीं दिया अवसर, है ना? वहाँ पे क्या लिखा है, घराने समय नष्ट होगी, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया है ना। पर मोर्दकै जो परमेश्वर का मोर्दकै था, वो क्या कह रहा है एस्तर को, शायद इसीलिए परमेश्वर ने तुझे आज राजपद पे उसको अधिकार रखा है, रानी बना के रखा है, और आज आपको एलटीएम से ओएसएस से इसीलिए जोड़ के रखा है परमेश्वर ने, ताकि आप कुछ काम कर सको। हालेलुया, है ना? आपको ओएसएस से इसीलिए जोड़ के रखा है। ओएसएस में इसलिए बोलूंगी क्योंकि परमेश्वर ने खास तौर पे हम महिलाओं के लिए ये मिनिस्ट्री का निर्माण किया है। हालेलुया, ऐसे नहीं है कि हम लोग ऐसे उठ के मिनिस्ट्री कर, नहीं, हमें कोई शौक नहीं था, हम ना किसी चीज को जानते थे मिनिस्ट्री क्या होती है, हमारे पुरखों तक किसी को पता नहीं है क्या है ये यीशु मसीह, किसी को नहीं पता, आप लोग को सबको को मालूम है। ऐसे नहीं है कि हम लोग ऐसे आ गए, हाँ यूट्यूब पे आ रहे हैं, हाँ हम लोग घरों में जाके प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा इस चीज के लिए नहीं, फेमस तो नहीं, लेकिन हमको परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को, रीमा मिनिस्ट्री को इसीलिए ओपन किया ताकि महिलाएं बचाए जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें भी बहुत सारे काम थे, हम सब छोड़ के हम परमेश्वर के मंडली में है, क्यों? आप लोग को बताने के लिए कि हमको तैयार रहना है। कोई भी ऐसी स्त्री है, कोई ऐसी स्त्री आपके लिए परमेश्वर ने रखी है ताकि आप उसको बचा सको। हालेलुया, क्या मालूम आपको इसीलिए परमेश्वर दो दिन यहाँ पर सेमिनार में इसीलिए ये इस जगह में रखा है। आप तैयार हो जाओ, प्रार्थना करो। आपको याद आए कि मैंने कितने लोगों को प्रभु के बारे में बताया था, वो लोग अभी तक नहीं, उनका उद्धार हुआ है। मैं उनको जाके बताओ, यीशु के बारे में बताओ कि यीशु मार्ग सत्य जीवन, यीशु हमको बचाने वाला, यीशु हमको नरक के जाल से निकालने वाला, हम कहीं पे चले जाए लेकिन हमें यीशु कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, ऐसी बहुत सारी स्त्री है ना, प्रिया सिस्टर, कितने लेडीज कंपार्टमेंट में काम करती है, कितने लेडीज हैं, हम बोल सकते, चांस देखना है हमें कि परमेश्वर को हमको बीज बोना ही है, नहीं तो हमारी वजह से वो नरक में चले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको वो एस्तर की तरह बनना है। एस्तर की स्टोरी ऐसे ही प्रभु ने नहीं इसमें डाल दी होगी, उसको मालूम होगा कि आज के दिन 2021 5/11/2021 है ना, 5 नवंबर 2021 को लेडीज बैठेंगे, मेरी बेटियां बैठेंगी, मैं उनको तैयार करने के लिए ये स्तर का वचन रखा हूँ। परमेश्वर को सारी बातें पहले से मालूम है कि नहीं? उसको मालूम है कि यहाँ पर मीटिंग होगी, उसको मालूम है पूजा कौन है, उसको मालूम है प्रिया कौन है, उसको मालूम है सल कौन है, मालना जी कौन है, उसको मालूम है गुड़िया सिस्टर कौन, सबको मालूम है ना, सब लोगों का परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया, इसीलिए शायद जब मैं प्रभु का प्रचार करती तो मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था, स्वप्न में भी कभी नहीं आया होगा कि हम लोग प्रभु का कभी प्रचार करेंगे, यीशु हमारा उद्धार करता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोगों ने सोचा था? नहीं सोचा था, हमारी जिंदगी जैसे चल रहा वैसे चल रहा था, लेकिन हमको कुछ मालूम नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने आज हमको उद्धार के लिए, किसी का उद्धार का कारण के लिए बनाया। जब हम परसों के दिन हम एक लेडी से मिले तो वो बोल रही, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे अंदर पीस नहीं है। और मैं जब प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ऐसे लोग को भेज, किसी को तो जरूरत होगी तेरा वचन बताने के लिए, और वैसे ही हुआ, वो बोली सारा वचन मेरे लिए था। हालेलुया, ये वचन मेरे लिए था, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर को पता है किसको जरूरत है उस वचन की, किसको जरूरत है परमेश्वर की सबसे ज्यादा। समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे कि नहीं, मुझे एस्तर के लिए चुना है, एस्तर की जैसा चुना है परमेश्वर, मुझे आज तैयार कर रहा है, मैं परमेश्वर की ब्यूटी पार्लर में हूँ, है ना, मैं एब्रो नहीं, हेयर कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं अंदर से परमेश्वर मुझे ऐसा तैयार कर रहा है कि मेरा शरीर और आत्मा परमेश्वर की महिमा करे, मुझे ऐसा खूबसूरत बना रहा है। आप शायद दुनिया की ब्यूटी पार्लर में जाके फेशियल करा लो, एब्रो बना लो, वापस जाते ही हो ना 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, हाँ या नहीं? जाते है ना, जाते ही, क्योंकि हमको खूबसूरत दिखना है, हम हमारी जगह में काम करते हैं, वहाँ पे खूबसूरत दिखना है ना।
परमेश्वर वो टेम्पररी खूबसूरती है, लेकिन परमेश्वर आपको हमेशा के लिए खूबसूरत बनाना चाहता है। हालेलुया। क्या करना चाहता है अनीता? हमको हमेशा के लिए हमको खूबसूरत बनाना चाहता है। अब जैसे प्रभु का काम करते जाते हो, जैसे उसके राज्य के लिए दौड़ते हो, परमेश्वर हमको और खूबसूरत बनाते जाते। एक बार परमेश्वर के सेवक उनको किसी ने बोला कि अंकल आप आपके चेहरे पे इतना चार्म क्यों है, चमक, इंग्लिश में कहते हैं चार्म, इतना चमक कैसे रहता है आपकी ऐसी एज में? तो बोले कि तू जो बेटा करता वो मैं नहीं करता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, मेरे परमेश्वर का दुआ में बैठता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ, उसको उसको पुकारता हूँ सुबह 3-4 बजे। हालेलुया। और उसका जो प्रकाश है, उसका जो चाम है, उसका जो तेज है, वो मेरे चेहरे पे परमेश्वर देता है। हालेलुया। और आप चमकना शुरू हो गया, तो आप में दिखना चाहिए, अरे कौन से ब्यूटी पार्लर से फेशियल करा के आई है, कौन से ब्यूटी पार्लर में किस प्रकार का फेशियल कर दिया। कोई फ्रेंड बोले की तू कुठला ब्यूटी पार्लर ला जाती, मला पण दोन साल पूजा उसको खींच के लेके, ये ब्यूटी पार्लर है जो मेरे चेहरे पे इतना चमक है। हालेलुया। मैं यहाँ पे फेशियल करती हूँ, कैसे फेशियल करती, कुछ नहीं, अपने आप को प्रभु को दे देती हूँ और परमेश्वर मुझे भरता है। ओ रामा से परमेश्वर मुझे भरता है, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का परमेश्वर की उपस्थिति बहुत है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या मुझे कहना है या परमेश्वर क्या बोलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब कोई प्रभु का सेवक सेविका बात करते हैं उनको समझ नहीं आता, उनको परमेश्वर ही चलाता है। मैं क्या सोच के नहीं आई थी मैं ब्यूटी पार्लर का उदाहरण दूंगी, मैं क्या दूंगी, कुछ नहीं, परमेश्वर अपने आप ही, उसको पता है कि मैंने लास्ट प्रीचिंग में बोला प्रभु ने कहा मैंने तुझे इवेंजलिस्ट चुना है, मैंने तुझे सुवार्तक चुना है, तुझे लोगों को जाके बता, मैंने तेरे मुंह में वो आग डाल दी है वचनों का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आत्मिक चीज है जो अभी आपको शायद कम समझती होगी, लेकिन आने वाले दिनों में आप तैयार होगा, आपको समझेगा कि मैंने कौन सा शस्त्र पहना है, मैंने कौन सा अस्त्र लिया है, मैंने क्या तलवार लिया है कि नहीं, भाला लिया है कि नहीं, मैं ऐसे ही जा रही हूँ क्या दुश्मन को हराने के लिए, मुझे तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। हम दुश्मन को देखते हैं, हाँ अच्छा इसने ये वाला सब अस्त्र लिया है, अच्छा इसने बंदूक लिया है, इसने ये लिया है, तब हम लेके जाएंगे ना। आप अपना तैयार हो जाओ ना, उसने लिया नहीं लिया वो जाने दो, हम सोचते हम बहुत तैयार होके गए, लेकिन अपने से ज्यादा तैयार वो लोग होके आए रहते। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हमेशा तुम सुसमाचार का जूते पहन लो, है ना, बोला है कि नहीं, सुसमाचार के जूते तुम पहन लो, धर्म के तुम कमर में कस लो। हालेलुया। तुम ये उद्धार का टोप पहन लो। प्रेज़ गॉड। एक दिन मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी मई के महीने में, और मैं फास्टिंग में थी और प्रार्थना कर रही थी, मैं वर्शिप हो गया मेरा 1 बजे से लेके 1-1.5 बजे तक, 2 बजे तक वर्शिप हो गया, स्तुति आराधना हो गई, मैं प्रभु जैसे जैसे कलीसिया में होता सेम मेरा स्टाइल वही है। हालेलुया। पहले थोड़ा 2 गीत आराधना का, फिर प्रभु की प्रशंसा करना मतलब स्तुति, फिर से आराधना में जाना, फिर वचन, फिर से आराधना में जाना, ये सब सिस्टम मैंने खुद के जीवन में लगा के रखा है। और फिर मैं थोड़ा सा नींद आ रही थी ऐसे, तो नींद नहीं आई, थोड़ा मैं बोली कमर दुख गई, थोड़ा लेट जाती हूँ मैं, और मैं ऐसे लेटी हूँ मेरी आंखें बंद भी नहीं है, खाली मैं प्रभु का वचन मेडिटेट कर रही थी। और मेडिटेट करते करते मैंने एकदम से देखा कि एक कोई तो व्यक्ति खड़ा है, और वो व्यक्ति है ना उसको अचानक से उसने वो जो क्या बोलते युद्ध में वो कवच पहनते है ना पीतल के जैसा रहता है, वो कवच पहना है, इधर हाथों पे बांधा है, जूते उस तरह पहना है, और फिर भाला लिया है, और ऐसा तलवार ऐसा भाला लिया है, तलवार नहीं भाला लिया है, और फिर वो टोप ऐसा पहन रहा है, और वहां पर एकदम ऐसे पीछे पहाड़ है और भाले को लेकर ऐसे एकदम खड़ा है ना। तभी तो मुझे समझ में आया कौन, समझ में नहीं आया कौन है। फिर मैं मुझे पवित्र आत्मा ऐसे मतलब मैं सोई भी नहीं, कुछ नहीं है, मैं देख रही हूँ खुले आंखों से क्या हो रहा है, और जब जाके आगे देखती हूँ तो वहां पे मेरा चेहरा नजर आया, तो परमेश्वर ये क्या था, ये तो मैं हूँ, ये तो लेडी, मतलब मैं सोची तो कोई इंसान है, मतलब कोई आदमी है नहीं, मैं खड़ी थी 2 मिनट के लिए, समझ में नहीं आया ये क्या है। फिर बाद में मुझे प्रभु ने उसके बारे में बताया। मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बड़े बड़े काम करने के लिए रखा है, छोटे काम नहीं, हमको परमेश्वर ने भाला की जैसे
है ना। अभी जैसे गिडोन का भी बताया ना आपको, गिडोन का क्या बताया, जो अपना भाला ऐसे रखे और हाथ से पानी पिए एक घुटने टेक कर, तो परमेश्वर उसी लोगों को तुम क्या करना, तुम युद्ध के क्षेत्र में रखना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर आपको उस युद्ध के क्षेत्र के लिए तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर आपको क्या बता रहा है, कितने लोग समझ पा रहे कि मैं प्रभु के वचन से आपको क्या कहना चाहती हूँ या परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का आज यही परमेश्वर आपको बताना चाह रहा है कि जो एस्तर थी उसको क्यों चुना था परमेश्वर ने, उसको क्यों वहां पर रानी बनाया, बाकी लोगों को रिजेक्ट किया वही रानी बनी। कितने लोग तो भी इंटरव्यू के लिए आए थे, है ना। आज आप लोग भी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर हो। आप में से कौन आज रानी बनना चाहता है? रानी इसीलिए क्योंकि उसके लोगों को बचाने के लिए, रानी इसीलिए नहीं कि हम खूबसूरत मेकअप विकअप लगा के हम कलीसिया जाए, हाँ हम बहुत पवित्र है ऐसा दिखाने नहीं कि हम एकदम ये रानी बनो कि परमेश्वर आपको रानी कहता है ना। परमेश्वर कहता है ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये प्रिंसेस है ना, ये प्रिंसेस है, ये प्रिंस है। परमेश्वर ऐसा करके आपको पुकारता है, छोटा मोटा नहीं जानता वो आपको, भले लोग है ना ऐसा हल्का जानते रहेंगे, मोर्दे के अस्तर को लोग हल्का ही जान रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने बड़े काम करने के लिए उन दोनों को रखा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि अगर पांचवा अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा है कि वो रानी ने किस तरह से वो बोली मैं मेरे लोगों को बचाऊंगी, है ना। एक काम करो, सभी लोगों को कह दो, मोर्दे को कहला भी दो, सभी लोग 3 दिन उपवास करेंगे, रात और दिन कुछ खाएंगे नहीं पियेंगे नहीं, मैं भी यहाँ उपवास करती हूँ और फिर मैं वो राजा के पास जाऊंगी। क्योंकि रानी जो एस्तेर थी वो बहुत डरती थी वो राजा के पास जाने को, क्योंकि कई कई दिनों के बाद वो राजा से मुलाकात होती थी और राजा के पास एक तलवार थी, उसका तलवार नहीं एक भाला टाइप कुछ तो भी था, छड़ी था जैसे, मतलब उसका अगर नोक वैसा बड़ा है, उसके नोक को अगर आप छोगे तो मतलब आप बोल सकते हो, अगर नहीं उठाए तो मान लो खत्म ही। इसलिए रानी डरती थी मैं जाऊंगी तो राजा के पास मुझे नष्ट कर देगा वो, लेकिन वो लोगों को बोले उपवास करो प्रार्थना करो। हमको भी सेम यही फॉलो करना है, हमारे लोगों को बचाने के लिए, हमको और ऐसे लोगों को बचाने के लिए जो शैतान उनको नरक की आग में खींच रहा है, हमको उपवास प्रार्थना करनी है, लेकिन ईमानदारी से। आजकल के जैसे उपवास मत करो, उपवास कर रहे हो ठीक है चलो आज नाश्ता कर लिया ये, हाँ जो लोग बीमार है उनका बात अलग है, परमेश्वर ने उनके लिए कुछ रखा है ना, लेकिन आप ईमानदारी से करो तो परमेश्वर काम करेगा। देखिएगा इसने अपने आप को भूखा रखा है, इसने मेरे लोगों के लिए ऐसा बात किया, मैं अभी बचाऊंगा, मैं उतराऊंगा। हालेलुया। और वैसे ही हुआ, फिर हमान राजा से खाने पे बुलाया, क्या हुआ, और जो मोर्दे को फांसी लगाने के लिए उसने खुद फांसी बनाई थी, वो उस फांसी में ही वो हमान को मारा गया। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर ने, ये कैसे उसने सीखा रानी ने, एस्तेर ने किसे सीखा, परमेश्वर के ज्ञान से। प्रभु के लोगों को उसको अंदर भय था, मेरे को बचाना है, मुझे लोगों को बचाना है। आपको रहता है कि मुझे ये, मैंने आज ये व्यक्ति को बताया ना, मेरे को इसको बचाना है, मैं सारी चीज कर दूंगी, मैं उपवास करूंगी प्रार्थना करूंगी, जब तक ये प्रभु में स्थिर ना हो जाए, जब तक इसको प्रभु से पूरी तरह से प्यार ना हो जाए। हम क्या करते हैं, खाली कलीसिया लाते, हाँ वो आ गया वो विश्वास करे, वो घर में बोलते हैं, हम घर में भी बाइबल पढ़ते हैं, हम घर में ही विश्वास करते हैं, हम यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये आजकल यूट्यूब आया है, एक दिन ऐसा वक्त आएगा सब मोबाइल ना बंद हो जाएंगे, सब कुछ नहीं मिलेगा, फिर कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से करोगे। लोग मोबाइल इसलिए लोग डाल रहे हैं और फिर अपने कलीसिया छोड़ के, अपने पास्टर अपने सेविका को छोड़ के दूसरी जगह में सिर्फ घर में बैठ रहे मोबाइल पढ़ते, हाँ ये आ रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है, हाँ इधर से हम आराधना करेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता तुम मेरे मंदिर में आओ, हम घर को ही मंदिर बना दिए। परमेश्वर कहता जब यीशु मसीह काम करता था ना, उसके चेलों को भेजा था, वो उसको पकड़ के लाओ लेके आओ मेरे पास, यीशु मसीह नहीं जाता था वहां, उनको लेके आता था फिर प्रचार करता था, फिर वो क्या पहाड़ क्या नदी क्या समुद्र सब ऐसी जगह लेके जाता था जहां पे खाने को भी न मिले। क्यों?
परमेश्वर को बड़ा काम करना था, क्योंकि हमारे पेट में अगर खाना नहीं रहेगा तब हम परमेश्वर को याद करते रहते हैं। मैंने देखा है जब हम फास्टिंग में रहते परमेश्वर हमको ऐसी ऐसी अद्भुत बातें बताते हैं उसके वचनों में। ये वचन कभी समझ में नहीं आता था पहले तो, मैं तो ऐसे समझती थी सब्जेक्ट है हिस्ट्री का और हिस्ट्री कैसे होती है वैसे पढ़ना है इसे। बाद में समझा ये जीवन की रोटी है, ये जिंदा वचन है, इसी से मेरा उद्धार होगा, नहीं तो मेरा उद्धार नहीं होगा। ये अंदर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, हम डगमगा जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, आज आप निर्णय करो, परमेश्वर मैं आज यहाँ पर आई हूँ, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, परमेश्वर मैं एस्तर की तरह काम करूंगी, इंतजार करूंगी, फास्टिंग प्रेयर करूंगी, जितने लोगों को मुझे बताना है परमेश्वर मैं उन महिलाओं को बताऊंगी, वे लोग नरक के रास्ते पे जा रहे, वे गलत काम कर रहे, उनको मैं जाके बताऊंगी परमेश्वर तेरी मर्जी होगी तो तू परमेश्वर बराबर मेरे मेहनत को देख के तू उनको लेके आएगा। एस्तर का मेहनत देखा परमेश्वर ने, याद रखना एस्तर ने खाना बनाया, उन लोगों को दावत के लिए बुलाया, राजा बोलता मैं आधा राज्य तुझे दे देता हूँ, मांग एस्तर। उसको इंतजार था, उसको क्या करना है, राज्य नहीं चाहिए था उसे, उसके लोगों को बचाना था। हालेलुया। हमारे भी लोग आज खत्म हो रहे, हमको बचाना है, मसीह है उनको भी बचाना है, जो गैर मसीह है उनको भी बचाना है। क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित है। क्या है बाइबल कहती रोमियो का राज तीसरा अध्याय में, वो महिमा से परमेश्वर की महिमा से वो लोग क्या हो गए, वंचित हो गए। उनको हमको दिखाना है कि सच्चा परमेश्वर कौन है और हमारी मदद कौन करेगा, और हम जब वर्शिप करेंगे तो परमेश्वर हमारे संग आ जाए, हमारे हमारी हम जिस उपस्थिति में जहां पर भी प्रभु वहां उतर के आएगा। हालेलुया। जब मूसा का टाइम था वहां पर उस पहाड़ पर परमेश्वर ऐसे बादल के नहीं उतरता था, और लिखा वो जो बादल उतरता था ना ऐसा दिखता नहीं था बादल, लोगों को क्या दिखती थी, भयंकर आग, आग से उतरता था वो, दिखने को ऐसे दिख रहा था बादल, लेकिन मूसा को पता था, मूसा को परमेश्वर ने वो बादल से कवर किया था। लेकिन जब इजरायली उस पहाड़ पे देखते थे जहां पे मूसा चढ़ता था प्रार्थना करता था 40 साल के उस पहाड़ पर, उस पहाड़ पर क्या हो गया, उनको अग्नि दिखाई देती थी। अगर आप निर्गमन की किताब पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है। हालेलुया। तो आज यही परमेश्वर आपको, कितने लोग सच में परमेश्वर आज तेरी उपस्थिति में हमें परमेश्वर बह जाना है, तेरी उपस्थिति में हमें ऐसा ब्यूटीफुल बना दे जैसा एस्तर को तूने रानी के लिए चुना। उसको भी पता नहीं था रानी क्यों चुना, लेकिन बाद में मोर्दकै ने समझा आज ही के दिन के लिए तुझे चुना गया था। आमीन। है ना, आज का दिन उद्धार का दिन है, आज ही के लिए आपको चुना गया है। हालेलुया। ताकि आप लोगों को बताओ कि यीशु मसीह कौन है, आप लोगों को एनकरेज करो, आप लोगों को ये करो कि परमेश्वर क्या है, सुसमाचार क्या है, परमेश्वर क्यों आया जगत में, यीशु मसीह ने क्यों लहू बहाया, क्यों उसने जिन लोगों को चंगा किया तो वो लोग थूके लेकिन यीशु कुछ नहीं बोला, लेकिन यीशु क्यों बोला पिता इनको माफ कर, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग मरे उस नरक की आग में जाए। हालेलुया। जो नरक में वो लोग चीखते चिल्लाते हैं, बहुत सारे हम टेस्टिमनी सुनते चीखते चिल्लाते हैं, या स्नेहा से वो खुद परमेश्वर उसको लेके गया था, बोली बहुत जोर से आवाज आती है, लोग बोले कि वहां पे पुकार नहीं सुनी जाएगी। यही टाइम है, आज ही का दिन है, आप ये वचन लेके आप घर पे जाके दिमाग से मत लेके जाओ, लेकिन ये सोचो कि नहीं किसको जरूरत है, आपको पता रहता है प्रभु लेके आता है वो लोगों को, वो प्रॉब्लम बताते हैं आपको, वो बताते हैं कि हमें जरूरत है, लेकिन आप लोग ढीले पड़ जाते हैं, आप लोग ये सोचते होगा नहीं होगा होगा, आपके दिमाग से मत सोचो, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बताएगा क्या करना है। जैसे पौलुस को कहा परमेश्वर ने, तू डर मत मैं तुझे बताऊंगा उधर क्या बोलना है, मूसा को भी बोला तू डर मत मिस्र में क्या बोलना है मैं तुझे बताऊंगा, तो अपने आप को ज्यादा खुशहाल मत समझ, वो बोलता मैं अकलाता हूँ प्रभु मैं क्या बोलूंगा, आपको बताया जाएगा क्या करना है, आपके कलीसिया में बताया जाएगा, आपके कलीसिया में बताया जाएगा, आपको आपके सेवक सेविका बताएंगे आपको हर एक कैसे आपको प्रभु में बढ़ना है, क्योंकि मोर्दकै मार्गदर्शन कर रहा था एस्तेर का, याद रखो है ना, मोर्दकै बता रहा था तू ऐसा कर तू इधर जा तू उधर जा तू ये पहन तू ये कर तू वो कर, तब वो सुनती थी और फिर परमेश्वर ने सोच लिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में, हम जैसे वो थोड़ा और आराधना में जाएंगे।
आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे प्रभु आज परमेश्वर आपने यहाँ पर हमें खड़ा किया है तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, तेरे राज्य में लोगों को बुलाने के लिए, उन लोगों को जो परमेश्वर आज खेदित मन के है, जो तीन लोग है जो जिनको प्रभु तू नहीं पता, उन लोगों को बचाने के लिए हमने यस माय लॉर्ड प्रभु इस घर में हम तेरी बेदारी को मांगते इस कलीसिया में और परमेश्वर इस पूरे भारत देश में इस महाराष्ट्र में प्रभु उन लेडीज की परमेश्वर हम प्रार्थना करते उन स्त्रियों के लिए जो अभी भी भटक रहे उनको नहीं पता वो कहाँ जाए, परमेश्वर आज हम उन औरतों के लिए उन स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते जो आज भी पाप में डूबी है, जो आज भी सुसाइड करी, जो आज भी उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा मेरे खुदा, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर मेरी इन सारी बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू इनको खड़ा कर रहा है इस तरह के जैसे राज्य में काम करेंगी, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, तेरे वचन को प्रचार करने के लिए, तेरा सच्चा जो तू खुदा है परमेश्वर उसको बचाने के लिए, परमेश्वर तेरा जो परमेश्वर तू सच्चा खुदा है मार्ग दिखाने के लिए उन लोगों के लिए परमेश्वर इनकी प्रार्थना काम आएगी, इनके फास्टिंग और प्रेयर काम आएंगे, इनके उपवास प्रार्थना काम आएंगे। धन्यवाद करते आज इन सारी बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ तैयार कर रहा है एक सेना की तरह तैयार तेरा कार्य करेगी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हो रामन दादा प्रो सेकंड प्रभु तेरा धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए और रामा सेकंड रा बाबा हमको तूने छुड़ा दिया है हर एक दुष्टात्मा की शक्ति से, हर एक उस दुष्टात्मा के जाल से परमेश्वर आज तूने हमको बड़े बड़े काम करने के कही मुझे परमेश्वर ने बड़े काम करने के लिए रखा है, मुझे बड़े काम करने के लिए रखा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते तेरा धन्यवाद करते तेरा धन्यवाद करते आगे का सारा समय हम आपको देते हैं, जैसा दूसरा सेशन होगा प्रभु उस पर भी तेरी आत्मा उतर के आएगी और तू हमें बताएगा कि परमेश्वर हमें और क्या काम करना है। प्रभु यीशु के नाम में तूने इसको ब्लेस किया, तेरी उपस्थिति ऐसे बहने दे, यीशु के सामर्थ्य में सभी कलीसिया सारी बहने मिलकर कहेंगे जोर से आमीन। हालेलुया 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 गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड परमेश्वर अच्छा है हर समय। हालेलुया हालेलुया।